सुल्तान फतेह अली खान टीपू की शहादत के बाद बाकी औलाद पर जो गुजरी वो किस्सा अलग है, मगर सुल्तान की एक बेटी भी थी जो उस वक्त 14 बरस की थी। सुल्तान शहीद के दो वफादार खादमों ने खुफिया तरीके से महल से उन्हें निकाला और सुरंगापटम से मैसूर ले गए। वहां उनकी इस एहतियात के साथ परवरिश हुई कि किसी को उनके हसब नसब का पता ना चला। वहां एक नामवर मौसिकार का गुजर हुआ जिसे राजा के दरबार से बहुत इनाम अकराम मिले। किसी सूरत उस लड़की की शादी उस मौसिकार से हो गई जिसका नाम मौला बख्श था। मौला बख्श को जब असल सूरत हाल का पता चला तो वो मैसूर से निकला और बरोडा में आन बसा। वहां उसने जो मौसीकी की एक तरबियत गाह कायम की तो उस तरबियत गाह में पंजाब के एक नौजवान रहमत अली खान ने दाखिला ले लिया। उधर मौला बख्श के यहाँ एक बेटी पैदा हो चुकी थी और अब अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। टीपू सुल्तान की नवासी खदीजा बीबी की शादी रहमत अली खान से हो गई। खदीजा बीबी की जल्द ही गोद हरी हुई और वो एक बेटे की मां बन गई। इस बेटे का नाम इनायत खान था। उसने मौसीकी की तालीम बाप से ली और तसव्वुफ में फैज सैयद हाशिम मदनी नाम के एक बुजुर्ग से हासिल किया। ये 1910 की बात है कि इनायत खान अमरीका चले गए। वहां मौसीकी के चक्कर में एक नौजवान खातून से मुलाकात हुई जो उन पर रीच गई। जल्द ही शादी भी हो गई। फिर उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम नूरुन्निसा रखा गया। ये लड़की दूसरी आलमी जंग में एक हीरो साबित हुई और इसे बरतानिया की जानिब से जॉर्ज क्रॉस दिया गया, जबकि लंदन के गोल्ड स्क्वायर में उसका मुजस्मा भी नस्ब किया गया। नूरुन्निसा इनायत खान, जो नूर इनायत खान के नाम से मशहूर हुई, उनका ऐसा क्या कारनामा था जिसकी बदौलत उन्हें ये एजाज दिया गया और उन पर फिल्म भी बनाई गई। डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, 16 और 17 जून सन 1943 की दरमियानी शब पूरे चांद की रात थी। बरतानिया के इलाके टैंगमेर से दो छोटे तैयारों ने फ्रांस के लिए परवाज भरी। उन तैयारों ने इंतहाई तारीकी में टेक ऑफ किया था और उनके पायलट इतनी उजलत में थे कि उन्होंने अपने घुटने पर रखे नक्शे पर नजर डालने के लिए टॉर्च तक का इस्तेमाल नहीं किया। उन तैयारों में ना तो कोई बम था और ना ही ये दुश्मन के इलाके की जासूसी के लिए निकले थे, बल्कि उनका काम जर्मनी के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में वायरलेस ट्रांसमीटर और जासूसों को पहुंचाना था। इन जासूसों में से एक नूर इनायत खान भी थीं, जो मॉस्को में पैदा होने वाली इंडियन नजाद खातून थीं। इन तैयारों की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 212 मील फी घंटा थी। बरतानिया में अपने खुफिया ठिकाने यानी टैंगमेर से उड़ान भरने के बाद ये तैयारे रात की तारीकी में 1.5 घंटे का सफर करके फ्रांस के खेतों में उतरे। नूर इनायत खान की सवाने उमरी कोड नेम मैडलिन, अ सूफी स्पाई इन नाजी ऑक्यूपाइड पेरिस के मुसन्निफ आर्थर जे मगेडा लिखते हैं कि उस रात तैयारे को उड़ाने वाले पायलट फ्रैंक रमल्स की नज़र जब खुश शक्ल, गंदुमी रंगत और फ्रांसीसी जबान बोलने वाली नूर पर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी नौजवान खातून को फ्रांस क्यों भेजा जा रहा है जो नज़रों में आए बगैर नहीं रह सकती। नूर इनायत 1 जनवरी 1914 को बरतानिया में पैदा हुई और 13 सितंबर 1944 को महज 30 बरस की उम्र में उन्हें नाजी जर्मनी की खुफिया पुलिस गस्टापो ने कत्ल कर दिया। कत्ल करने से कबल गस्टापो की तरफ से उनसे राज उगलवाने के लिए हर जुल्म आजमाया गया, लेकिन वो नूर इनायत खान से कुछ ना पूछ सके। नूर इनायत खान की जुर्रत और बहादुरी की कहानी आज भी बरतानिया और फ्रांस में बेहद मकबूल है। उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें बरतानिया के सबसे बड़े शहरी एजाज जॉर्ज क्रॉस से नवाजा गया। फ्रांस की तरफ से भी उन्हें आला एजाज क्रोएक्स डी गुएरे से नवाजा गया। उनकी याद में लंदन के गॉर्डन स्क्वायर में एक यादगार बनाई गई जो बरतानिया में किसी मुसलमान और किसी एशियाई खातून के एजाज में पहली यादगार है। वो एक बुजुर्ग इनायत खान की साहबजादी थी।
ये बुजुर्ग सूफिया के किसी सिलसिले से मुंसलिक थे और ये कि ये बहुत खामोश लड़की थी और फ्रांस में जंगी मिशन पर जाने से पहले वो अपने घर के करीब के पार्क में बेंच पर बैठी किताब के मुताले में गर्क नजर आती थी। ये बीबी असल में सुल्तान फतेह अली खान टीपू शेर मैसूर की पड़पोती थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। शेर व अफसाने से उन्हें बहुत शगफ था। कहानियां लिखते पढ़ते उन्हें महात्मा बुद्ध की जातकों तक रसाई हो गई और उन जातकों से उन्हें इतना शगफ हुआ कि उन्होंने मुंतखब जातकों को अंग्रेजी में मुंतकिल करके एक मजमुआ मुरतब कर डाला। नूर इनायत खान को अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों जबानों में बहुत महारत थी। दूसरी आलमी जंग के जमाने में वो लंदन में थी। इनायत खान तो सूफी मस्त बनकर दिल्ली चले गए थे, वहीं मरकज निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जगह पाई। नूर की तरबियत तो सूफियाना फिजा में हुई थी, मिजाज भी सूफियाना ही पाया था, मगर जंग के जमाने में उन्हें फौजी जासूसी के इदारे में काम करना पड़ा। इस इदारे ने उन्हें एक खास मिशन पर फ्रांस भेज दिया जो उस वक्त नाजियों के तसर्रुफ में था। वहां उन्होंने अपने फराइज बड़ी जांफिशानी से अंजाम दिए, मगर एक वतन फरोश फ्रांसीसी जासूस ने नाजियों से उनकी जासूसी की। यूं वो नाजियों की कैद में आ गईं, मगर जबर व तशद्दुद के बावजूद अपने फ्रांसीसी साथियों का पता बताने और बाकी राजों से पर्दा उठाने से साफ इनकार कर दिया। फिर जर्मन गुस्तापो उन्हें जिंदा कैसे छोड़ देती, मौत के घाट उतारती गईं। किस्सा कहानी से जो नूर को शगफ था उसके जेरे असर उन्होंने बच्चों के लिए कहानियां लिखी जो मकबूल हुई। शायद इसी हवाले से उनका तारुफ महात्मा बुद्ध की जातक कहानियों से हुआ और उन कहानियों ने इस तरह उनके दिल में घर किया कि फिर उन्होंने इन कहानियों से अपनी पसंद का एक इंतखाब किया और उनका अंग्रेजी जबान में तर्जुमा किया। ये मजमुआ 1939 में लंदन से शाये हुआ। नूरुन्निसा ने अपने बाप से जो तसव्वुफ की तालीम पाई थी शायद ये उसी का असर था कि जातक कथाओं से उन्हें बहुत ज्यादा शगफ हो गया और बुद्ध तालीमात में उन्हें बहुत मानी नजर आने लगे। उनकी मुंतखब जातकों में एक जातक ऐसी है कि लगता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी आजमाइशी जमाने में वो गोया उसी के रंग में बसर कर रही थी। ये कथा इस तरह है कि एक बाग में बसेरा करने वाले बंदर इस तरह घिर गए थे कि वहां से बचकर निकलना उनके लिए महाल नजर आता था। तब उस बंदर ने जो उनका गुरु था उनकी नजात की एक तरकीब सोची। बाग की एक अकबी हद पर एक घना दरख्त था जिसकी शाखें अकब में बहती हुई गंगा पर दूर तक फैली हुई थीं। दूसरे किनारे पर ऐसा ही घना दरख्त था जिसकी शाखें दरिया पर फैलते फैलते उस दरख्त के करीब आ गई थीं। बस बीच में थोड़ा सा खांचा रह गया था। गुरु बंदर ने बंदरों से कहा कि मैं इस तरह सीधा लेटूंगा कि मेरा सर इधर के दरख्त की शाख पर होगा और टांगें गंगा पार के दरख्त की शाखों पर होंगी। तुम बारी बारी मुझसे गुजरते हुए गंगा पार वाले दरख्त पर कूद जाना। सब बंदरों ने ऐसा ही किया और सही सलामत गंगा पार उतर गए, मगर उन बंदरों में एक बंदर गुरु की जान का बैरी था। वो जानकर इस जोर से उस पर कूदा कि उसकी हड्डी पसली एक हो गई। इतने बंदरों के गुजर जाने से गुरु का हाल तो पहले ही पतला हो गया था, अब सचमुच उसकी जान पर आन बनी और इस तरह उसने जल्द ही जान दे दी। महात्मा बुद्ध ने ये जातक सुनाकर कहा कि वो गुरु बंदर मैं था, मैंने उनकी जान बचाते बचाते अपनी जान दे दी। खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने बंदर के जन्म से रिहाई पाई और अगले जन्म में चला गया। नूर इनायत खान ने भी तो नाजियों के फंदे में फंस कर यही किया। नाजियों को अपने किसी साथी का पता नहीं दिया, उनके इवज अपनी जान पर खेल गईं। हिंदुस्तान की एक खातून शराबनी बासु ने नूर पर एक पूरी किताब जासूस शहजादी के उन्वान से लिखी है। ये बताया गया है कि जब आखिर में नाजियों ने उन पर हल्ला बोला तो फ्रांसीसी जबान में उन्होंने आजादी का नारा लगाया। इसके साथ ही एक गोली ने उनका काम तमाम कर दिया। नूर इनायत खान ने अगर फ्रांस की खिदमत अंजाम दी तो ये उनकी खानदानी रवायात के ऐन मुताबिक था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के मुकाबले में फ्रांस ही से तो रफाकत का रिश्ता कायम किया था, बाकी बरतानिया की जो खिदमत अंजाम दी उसे तारीख की
सितम ज़रीफ़ियों में शुमार करना चाहिए। दोस्तों, आज के मौजू पर हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।